इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठ रही है। इसे देखते हुए एनटीए ने एक बार फिर से अपना रुख साफ किया है। एनटीए ने परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया है। एनटीए ने ताजा गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई की परीक्षा और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट की परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। कोरोना के कारण यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम अधूरा। परिसीमन न होने के चलते निकायों की तस्वीर साफ नहीं है। प्रशासन के लिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव करवाना मुश्किल। परिसीमन और नए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम अधूरा। 15 दिसंबर तक ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल। लखनऊ में दारुल सफा के विधायक निवास पर जसपा विवादित पोस्टर। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश यादव को दिखाया गया ब्राह्मणों का रक्षक। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी के राज्यपाल को कहा कि यूपी में महिला सुरक्षा के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लखीमपुर की एक लड़की ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रही थी, उसकी बलात्कार कर निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। यूपी में ऐसा अपराध हो रहा है। भदोही के एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया। एनबीडब्ल्यू बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली। बरेली में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर आरोप। अदिति सिंह की बहन मां पर भी आरोप। 85 साल की दादी ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र के जरिए शिकायत की है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को हुआ कोरोना। यूपी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों को जांच की दी सलाह। वाराणसी में मुख्तार गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मुख्तार के 12 करीबी अपराधियों को जिला बदर किया गया। एडीजी जोन ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी की। सिद्धार्थनगर में यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। हालात यह है कि 266 रुपए में बिकने वाली यूरिया खाद सहकारी समितियों में 360 रुपए की बेची जा रही है। किसान परेशान है, लेकिन उसके पास इस महंगी खाद को खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे किसानों में रोष है। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक के सामने स्थित सहकारी समिति का मामला, जहां पर किसान यूरिया खरीदने पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें 266 रुपए की बोरी के बदले 360 रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने इस संबंध में कर्मचारी से बातचीत की तो उसने कहा कि 360 बोरी से कम में खाद की बोरी नहीं दे पाए। अमेठी में किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पिछले 4 महीने से लगातार कोरोना वायरस के चलते एक तरफ जहां पर लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों का रोजगार छिन चुका है, वहीं इन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों को खेतों में डालने के लिए उर्वरक का संकट खड़ा हो गया। यह संकट ऐसा छाया कि इसके सामने कोरोना वायरस से पहली महामारी भी दम तोड़ती दिखी। किसानों ने बताया कि हम सप्ताह भर से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको खाद नहीं मिल पा रही। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के जसापुर गांव में ग्रामीण और राजस्व कर्मचारियों के बीच झड़प हुई। नाले की पुरवाई कराते समय झड़प हुई। कानपुर के ग्वालटोली थाने इलाके में मजलिस को लेकर के दो पक्षों में पथराव हो गया। मजलिस के दौरान शख्स को घर से पुलिस ले गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से झड़प की। झांसी के उल्टन थाना क्षेत्र के बांसार गांव में दबंगों ने तेजाब की होली खेली। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। पूरी घटना में 40 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। नोएडा के थाना फेस 3 के गौर सिटी गोलचक्कर के पास ऑटो और बुलेट में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत होने की खबर है। मौके से बुलेट सवार फरार हो गया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सड़क हादसा। गाड़ी ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। लखनऊ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो रोडवेज बस आपस में भिड़ने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। एक दर्जन घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। यह हादसा लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में हुआ। हरदोई काकोरी रोड पर बजाज नगर मोड़ के पास हरदोई डिपो की बसें ओवरटेक की वजह से आपस में टकरा गई।
उधर कानपुर में कार सवार रईस जादू ने चार लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद दुकान में ये कार घुस गई। गोविंद नगर थाना इलाके का मामला, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। बरेली के थाना बारादरी में बालाजी टेलीफिल्म्स के कलाकार ने पिता पर लगाए हत्या के प्रयास करने के आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाने में निर्मल खुद बाबा गंज में महज 100 रुपए के लिए बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बाराबंकी में आजकल बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। नदी का पानी सड़कों पर भी आ गया, जहां यह सड़क पर भरा पानी राहगीरों के लिए मुश्किल खड़े कर रहा है, वहीं स्थानीय बाढ़ पीड़ितों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया भी बन गया। ये बाढ़ पीड़ित इस सड़क से गुजरने वालों को और उनके वाहनों को अपनी बैलगाड़ी से पानी पार करवाते हैं। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं, साथ ही प्रदेश के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा अभी चेतावनी बिंदु के निशान के लगभग 5 मीटर नीचे बह रही है। इस वक्त काशी में गंगा का जलस्तर लगभग 65 मीटर ऊपर है और यहां पर चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में नशे में धुत नाले में कूदा युवक, लोगों की मदद से पुलिस कर रही रेस्क्यू, दमकल मौके पर पहुंची। बाराबंकी में इस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब ताजिया लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने रोक लिया और उसे थाने लेकर पहुंच गया। ताजिया और ताजियेदार को थाने ले जाने की खबर आग की तरफ फैल गई और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर इस पूरे रास्ते को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। बाराबंकी से पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद बाराबंकी में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के प्रति आभार जताते हुए प्रियंका सिंह रावत ने कहा कि जो जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें सौंपी है, ईश्वर उसे निभाने की शक्ति दे। जालौन में पुलिस की एसओजी टीम ने 500 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह शराब हरियाणा से झांसी लाई जा रही थी। उन्नाव में एडीजी जोन एसएन साबत ने जिले का दौरा किया। उन्नाव पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ एडीजी जोन लखनऊ एसएन सावंत ने बैठक की है। एडीजी जोन ने बताया कि घटनाओं का वर्कआउट ना कर पाने वालों को अल्टीमेटम दिया गया। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, खूनी संघर्ष हुआ जिसमें महिलाएं बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने के चलते परिजन कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती करवाया गया। लखीमपुर खीरी में दलित छात्रा की हत्या में एक नया मोड़ आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 3 टीमों का गठन किया है। बुलंदशहर में लोगों से घिरे विशाल अजगर ने निगला हुआ कुत्ता उगल दिया। अजगर ने कुछ देर पहले कुत्ते को अपना निवाला बनाया था, लेकिन लोगों के बीच फंसे अजगर को कुत्ते को उगलना पड़ा। अजगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जौनपुर के सरपतहा थाना इलाके के मामले में खेत में निकला 12 फीट का अजगर, सूचना के बावजूद नहीं पहुंचा वन विभाग। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़कर गांव के बाहर छोड़ा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां पर आए दिन हत्या और जुर्म के शिकार हो रहे हैं। सीएम योगी ने यूपी के किसानों को दी बड़ी सौगात, 5,000 टन के 37 खाद्यान्न भंडार केंद्र का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं।
सीएम ने खाद की कालाबाजारी पर जल्द से जल्द रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी पर जल्द रोक के निर्देशों के बावजूद भी लोगों को खाद नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध तुरंत एनएसए की कार्रवाई करने में विलंब न हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान को उसकी जरूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त हो सके। संजीत हत्याकांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिवार को पुलिस ने उठा दिया। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में लिया, मां को घर में नजरबंद किया। लखनऊ में बेखौफ हो चुके बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां पर देर रात जानकीपुरम थाना इलाके के सारा स्टेट में बदमाशों को गाड़ी खड़ी कर दारू पीने से मना करने पर फायरिंग कर दी। गोंडा से फैजाबाद मार्ग पर सड़क हादसा, गोंडा रोडवेज बस से कार के हुई टक्कर, कार सवार बैंक कर्मी और पत्नी की मौत। मृतक माधवपुर प्रथमा यूपी बैंक में कार्यरत था। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में युवती ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। मामला शालीमार गार्डन इलाके का है। पुलिस के मुताबिक युवती एक अस्पताल में नौकरी करती थी। बांदा के मटौन थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। चंदौली पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनती नजर आ रही है। पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल एक शातिर बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बागपत के रमाला के असरा बूटपुर मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू घायल हुआ, दूसरा बदमाश गुड्डू खेतों के रास्ते भाग निकला। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के मनगढ़ पुलिया के पास पुलिस ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत युवक को बरामद किया। लखनऊ के निगोहा थाना के मस्तीपुर में उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया। उपद्रवियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। आजमगढ़ के नवादा बाजार में 2 पक्षों में कासुनी के बाद बीडीसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। फंदे से लटका मिला युवक का शव कल युवती का शव मिला था। लखनऊ के निगोहा थाना के भटपुरा गांव में नाले में मिला किसान का शव। चंडीखेड़ा गांव निवासी प्रेमचंद के तौर पर की गई शिनाख्त। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसके सिर में गोली लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हत्या के आरोपी भाग निकले। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, अक्षय नाम के युवक को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई। इसके बाद अक्षय को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में अक्षय ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। वहीं चिन्हार थाना इलाके के मटियारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चक्कर में 2 छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के लोनी टोनिका सिटी इलाके में सोहित नाम का एक युवक अपने काम से वापस लौट रहा था। उसी दौरान 2 युवक बाइक पर आए और सोहित से नाम और एड्रेस पूछा। जैसे ही सोहित ने नाम और एड्रेस बताया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने सोहित को गोली मार दी। वाराणसी में बीएचयू में मरीज के शव मिलने के बाद परिजनों ने कोविड अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। अस्पताल से लापता होने के बाद सीवर में मिला था शव। गाजियाबाद में महिला ने एसएसपी ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास। सीतापुर के तंबौर ब्लॉक में तैनात एनएचएम के ब्लॉक लेखा प्रबंधक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उसको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, इसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। लेखा प्रबंधक की इस हरकत से महकमे में हड़कंप मच गया।
जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसके भाई ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ के थाना पीजीआई के पेट्रोल पंप पर एक शख्स को चोर समझकर दर्जन भर लोगों ने बेरहमी से उसको पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके के परशुरामपुर इलाके में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता देखने को मिली। डिलीवरी के लिए पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने भगाया। अस्पताल गेट पर घंटों तड़पती रही प्रसूता। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवैधपुरी चौकी के पास क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने जुआरियों के अड्डे का पर्दाफाश किया। 14 जुआरियों को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने 6,84,000 कैश, एक गाड़ी बरामद की। लखनऊ में रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई। डीजी स्वास्थ्य ने लखनऊ सीएमओ पर कसा शिकंजा। सीएमओ को तलब कर मांगा गया जवाब। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आगरा में नदी में मौत की छलांग, बच्चे लगा रहे मौत की छलांग। नदी में तेज बहाव का नहीं है कोई खौफ। यमुना नदी के घाट पर बच्चे करे स्टंट, छलांग लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहाबाद के यमुना नदी जनेश्वर घाट का मामला। उन्नाव में शोपीस बनकर रह गई एलईडी लाइटें। परिषद ने मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी पर डाली। फोरलेन में बने साइकिल ट्रैक पर लगी थी एलईडी। पीडब्ल्यूडी ने पालिका गंगा घाट की जिम्मेदारी तय की। देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हादसा। मेडिकल कॉलेज की छत से गिरा सरिया। हादसे में एक मजदूर की मौत। परिजनों का आरोप सेफ्टी की नहीं थी व्यवस्था। जालौन में सिपाही पर रेप का आरोप लगा। नंदीगांव थाने में तैनात है आरोपी सिपाही। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कुशीनगर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के टर्मिनल का भूमि पूजन। 26 करोड़ की लागत से बन रही है टर्मिनल बिल्डिंग। 48 वर्ग मीटर एरिया में निर्मित होगी टर्मिनल की बिल्डिंग। जर्मन फैब्रिक मटेरियल से 100 दिन में तैयार होगा टर्मिनल। अमीरपुर के जलालपुर थाना इलाके में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ किया और 1,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक टली। बैठक में लिए जाने थे कई अहम फैसले। कोरोना वायरस के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 दिन के लिए खुद को किया था आइसोलेट। त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टाफ में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। सीएम का ड्राइवर और पीएसओ पाया गया कोरोना पॉजिटिव। सीएम और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति को लेकर कई मामले लगातार उजागर होते रहे। आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति से जुड़ा एक और मामला नैनीताल जिले में सामने आया, जहां पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कजान गुड्डू ने एक व्यक्ति के करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया। पूर्व मंत्री के मुताबिक महेश चंद्र अग्री नामक व्यक्ति ने बागेश्वर और नैनीताल जिले में तमाम अवैध और बेनाम संपत्ति हासिल की और इस समय यह व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है। महेश चंद्र अग्री नाम के शख्स ने कम आय होने के बावजूद लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। ऋषिकेश के तपोवन इलाके में एक होटल और एक कोटेज का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया जा रहा है, जिसमें होटल के कुछ विदेशी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटोशूट की गई और फिर होटल के प्रमोशन के लिए उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मुनि की रेती सभासद ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थाना मुनि की रेती में शिकायत दर्ज करवाई। थाना अध्यक्ष आर के सकलानी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तिहरी के सीमांत क्षेत्र के बूढ़ा केदार में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर ने तोड़ा दम। काशीपुर में टेलीकॉम कंपनी के नाम पर 67 लाख रुपए की ठगी। कंपनी ने पूरे देश में की 27 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी मान लिया। राहुल गांधी ने यह बात एक ट्वीट के जरिए कही। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर को भी शेयर किया। इस खबर में आरबीआई रिपोर्टर के बारे में लिखा गया है आरबीआई रिपोर्ट में बताया गया कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा, गरीब को ज्यादा नुकसान पहुंचा और ऐसे में अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने में काफी वक्त लगेगा।
गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। तमाम तकलीफों के बीच एक सुकून देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। बारिश के बीच मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का एक विहंगम दृश्य देखने को मिला। मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि मोढ़ेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर बारिश के दिन में शानदार दिख रहा है। गौरतलब है कि गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा कि वे 29 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। आपको बता दें कि रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने की अटकलों के बीच ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार। कोरोना से अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,124 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 485 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 16,014। कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत। अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेज खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। स्कूल कॉलेज खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कोरोना के 3,60,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट दोनों टीमों की सहमति के बाद ड्रॉ घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर लिया। 5वें दिन के खेल खत्म होने तक जेम्स एंडरसन ने कप्तान अजहर अली को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में 600वां विकेट लिया। इसी के साथ एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।